हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। गिल्ज मेंटर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करते हैं हम लोग। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब गवर्नमेंट के अधीन पीपीएससी से वैकेंसीज निकली थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर। आज उसके ऑफिशियली एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। इस वीडियो एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड करना है, वो आप अपना एडमिट कार्ड अभी से आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद में ज़्यादातर ये चांसेस होते हैं कि साइट बिजी हो जाती है, या कभी कभार आपका ऐसा समय होता है कि आप अपना समय पर डाउनलोड नहीं कर पाते। और पहले समय पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का फ़ायदा ये रहेगा कि आप उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं, आपको अपने सेंटर के बारे में पता होना चाहिए, और आपका अपकमिंग कोई भी ऐसा एग्जामिनेशंस हैं तो उसके संबंधित आप अपना शेड्यूल सेट कर सकते हैं। उसके बाद में पॉइंट नंबर टू पर बात करेंगे, क्या करें क्या नहीं करें। ज़्यादातर हम कन्फ्यूजन हर कोई मामले में होता है, तो हम उस पर बात करेंगे भी आपको इस वक्त इस सिचुएशन पे क्या करना है क्या नहीं करना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि बहुत सारे बच्चे भ्रमित करते हैं आजकल किसी को, जैसे कि माइंड गेम खेलना, व्हाट्सअप ग्रुप बने होते हैं या कोई भी चैट बने होते हैं। मैं पर्टिकुलर किसी व्यक्ति या किसी स्टूडेंट पर ये संदेह नहीं कर रहा हूँ, बट ये चीज़ें हमें देखने को मिली हैं भी बहुत सारे बच्चे माइंड गेम ये खेलते हैं। कोई बोलते थे इस पे केस लगा है, इस पे ये लगा, कुछ लूज हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लियर। और जो आपको हमें महत्वपूर्ण जानकारी ये होती है भी किसी भी विभाग के अंदर चाहे पेपर देने जाएं, चाहे आप उसके रिजल्ट की बात करें, कट ऑफ की बात करें, आंसर शीट की बात करें, जो भी है, जब तक आप उसकी ऑफिशियली साइट पर उसका डेटा या आप उसका नोटिफिकेशन नहीं चेक कर लेते, तब तक आप किन्हीं की किसी अन्य प्रकार की बातों में नहीं आएँ। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं आज के इस टॉपिक के महत्वपूर्ण पॉइंट नंबर पहले पर। मैं बात आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर जो भी विद्वान बंधु इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो कृपया आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आप तक समय समय पर महत्वपूर्ण बिंदु और महत्वपूर्ण टॉपिक्स, महत्वपूर्ण जो भी जानकारी है, नई नई गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उसके संबंधित आपको जानकारी देते रहेंगे। हाँ, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए हैं, सर हम लोग कंटिन्यू नहीं हो पा रहे, हमारा शेड्यूल बिजी है। वी होप हम लोग जून से आपको प्रॉपर यानी फ्री ऑफ कॉस्ट सभी सब्जेक्ट्स की कोशिश ये करेंगे कि हम आपको प्रॉपर तरीके से लाइव सेशन में हम आपको कोचिंग देंगे। चलिए सबसे पहले तो आपके कन्फ्यूजन पे डिस्कस करते हैं, क्या करें क्या नहीं करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, आजकल का समय ऐसा होता है कि कोई भी बच्चों के एग्ज़ाम चलते हैं। प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम्स चाहे हम लोग ग्रेजुएट हैं चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हैं, माइंड हमारा क्या किस प्रकार सोचता है डिपेंड इन सिचुएशंस पे करता है। टेंशन हर चीज़ों में आती है, बहुत बड़ी रैंक का पेपर है, क्लरिकल लेवल का नहीं है कि बार बार चांसेस मिलेंगे, वैकेंसीज लिमिटेड है, आप इसके लिए दिन प्रतिदिन मेहनत करते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन होने की बात यह है कि इस पे सिलेबस बहुत इजी है, छोटा सिलेबस और पेपर का जो समय था बहुत ही मतलब लिमिट समय के अंदर, बहुत ही अच्छी बात है कि जल्दी फॉर्म भरने के बाद में डिपार्टमेंट ने आपकी जो ऑफिशियली कैंडिडेट्स जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स उनकी सीट लीज की, उसके बाद में एडमिट कार्ड समय पर आ गए, तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए टेंशन होने की बात ये स्वाभाविक सी है कि कुछ लोग तो पढ़ ही नहीं सके। अब मैं यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट ये रखूँगा, सबसे पहले टेंशन के अंदर वो बच्चे हैं जिनकी यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं सेमेस्टर के, ठीक है, या जिनके अपकमिंग एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर रिलैक्स या नहीं रिलैक्स होने की बात ये भी है कि जिन बच्चों ने इतनी 3000 फीस भरी है, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि मुझे समय मिल जाएगा, अगर यही पेपर जून के बाद में होता तो शायद तक आप कहीं और बेहतर तरीके से रिलैक्स होकर पेपर दे सकते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं टेंशन है आपको, लेकिन इस सिचुएशन पे आपको क्या करना चाहिए, काम कोई भी है, हर मुसीबत में आपको लड़ने का एक हिम्मत होनी चाहिए, जुझारूपन होना चाहिए आपके अंदर। सबसे पहले ये होता है कि कोई भी आपको मुसीबत आए तो आपको क्या होना चाहिए, अपने आप को रिलैक्स रखें, बिल्कुल शांत रखें, जो भी होगा अच्छा होगा, आप अपने तरीके से बेस्ट दें। किसी भी बात को अगर टेंशन लेके करने से या झुंझलाहट करने से आज तक कोई भी समस्या का हल नहीं हो पाया। अगर टेंशन से समस्या का हल हो पाता तो आप घर पे बहुत सारी टेंशन लेके बैठ जाइए। मैं यहाँ पर आपको मेन इंपॉर्टेंट बात ये बताने की कोशिश करूँगा प्यारे बच्चों की, जैसा कि आपका अपकमिंग पेपर है, पेपर हमारा ये 20 मई को है, इसके ऑफिशियली एडमिट कार्ड आ चुके हैं, मैं आपको साइट पर भी लेके चलूँगा भी किस तरह से आपको डाउनलोड करना है कैसे नहीं करना, और इसके कुछ तथ्य मैं आपको सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिन बच्चों के पेपर हैं आगे सेमेस्टर के पेपर हैं फाइनल ईयर के, उन बच्चों को सबसे ज़्यादा टेंशन है कि अगर हम लोग हमारे कहीं ना कहीं सेमेस्टर की तरफ फोकस ना कर पाए तो यहीं भी हम स्किप कर सकते हैं। गाइज, इस जगह पर आपको क्या करना चाहिए, जो आपने पढ़ रखा है
चाहे कोई भी है, कोई भी कैंडिडेट है जो आपने पढ़ रखा है, चाहे वो करंट पढ़ा है, स्टैटिक्स जी के पढ़ा है, पंजाब जी के पढ़ा है, कृपया आप उनको सिर्फ रिपीट करें। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अगर आप उनको रिपीट करेंगे तो आपका अच्छा स्कोर आएगा। अगर आप कोशिश करेंगे कि कुछ नया खोजने की, तो आप कन्फ्यूज में चले जाएंगे। आपके पास एटलीस्ट 10 डेज बचे हैं, 20th को निकाल दीजिए, 9 डेज आपके पास बचे हैं, और अपना शेड्यूल इस तरह से फिक्स करें कि आप उसको रिपीट कर लें। पॉइंट नंबर 2 पे मैं लेके चलना चाहूँगा कि बिल्कुल पॉजिटिव रहें, अपने आप को नेगेटिव नहीं करें। अगर आपने जो भी 60% प्रिपरेशन की है, तो आप 60% पे बिलीव करें अपने आप पे, क्योंकि ट्रस्ट करना अपने आप पे बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपने आप पे बिलीव नहीं करेंगे तो आपकी कामयाबी आगे नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो वही बात आती है कि जैसे हम मोहम्मद गौरी की बात करें, तो उसने 17 टाइम्स इंडिया पे रेड किया था। तो देखो, उसके भी दिमाग में ये था कि एक ना एक दिन मैं जीतूंगा। तो वही बात है, आप कोशिश करें, आपका बेस्ट होगा। बहुत सारे बच्चे भी P SSS B से पेपर दे के फ्री हुए हैं, तो आप इस पेपर की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, दे सकते हैं। इवन कि अपकमिंग आपके पेपर्स बहुत सारे हैं, तो संबंधित आपको कोई ज़्यादा मुसीबत नहीं होगी। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहें, जो मैंने आपको बात बताई है, शायद तक कामयाबी का सबसे बड़ा मंत्र यही है। उसके बाद में जस्ट रिपीट योर टॉपिक्स। ठीक है, अभी आपको बस क्या करना है कि अपने टॉपिक्स को रिपीट करें, जो भी आपने पढ़ा है। मैंने अभी रिपीट की, जैसे बात की करंट पढ़ा है तो करंट को रिपीट कर लें, स्टैटिक्स को है, चाहे इकोनॉमिक्स संबंधित है, जियोग्राफी है, जो भी है, क्योंकि एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर 1 क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये आपके लिए। उसके बाद में पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं, अपने आप को फोकस करें अपनी कमजोरी पर। जो भी आपकी कमजोरी है, उस कमजोरी पर फोकस करें, कमजोरी को कवरअप करें कि हाँ, मेरी यहाँ मिस्टेक हो सकती है। कि जैसे मान लीजिए आपकी स्टैटिक्स GK अगर अच्छा नहीं है, तो उस पर फोकस कर लें कि हाँ, मुझे ये कवर करना है। जैसे पॉलिटिकल का हो गया, हिस्ट्री के जैसे 10 क्वेश्चन आएंगे, आपको कहीं से पूछा जा सकता है। जैसे कि मैं बता दूँ, इंडिया हिस्ट्री से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, या आपको मेडिवल से पूछा जा सकता है, एंशिएंट से पूछा जा सकता है। तो ये 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, आप ये मत सोचो कि हाँ यार 10 क्वेश्चन है, छोड़ दूंगा मैं, छोड़ दूंगी। तो प्यारे बच्चों, आप ये देखो कि इनके पीछे मार्जिन क्या है। 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स, तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट लीड रोल है ये। ठीक है, तो इसके लिए आपके लिए हर एक कदम अच्छा होगा, बस आपको रिपीट करना है। बिल्कुल रिलैक्स तरीके से रिपीट करते चलें, जो भी होगा वो अच्छा होगा। उसके बाद में आपने क्या करना है कि मेक योर टारगेट अटेम्प्टेशन। अपने अटेम्प्टेशन पर आप अपना एक छोटा सा टारगेट सेट कर लें। जैसे कोई भी आप मुकाम हासिल करने जाते हैं, कोई भी, जैसे कि आप टारगेट की, मैं यहाँ पर बात ही रखना चाहूँगा कि जैसे कोई मैच खेलने जाता है, या कोई भी आपके सामने कोई किसी भी प्रकार का कंपटीशन है, तो उसके लिए एक टारगेट सेट होता है कि हाँ, मैंने ये 100 रीजनिंग के क्वेश्चन और 70 जो GK के क्वेश्चन हैं, इसके लिए मेरे ये 200 और 140 में से क्या अटेम्प्टेशन रखनी है। तो गाइज, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली अगर जो बच्चा 80 क्वेश्चन रीजनिंग के करता है, ये टारगेट देखो, ये मेरी प्रडिक्शन है। मैं नहीं जानता कि आपकी लेवल, आपकी तैयारी किस प्रकार से है, आपने तैयारी का आपका स्टैंडर्ड क्या है प्यारे बच्चों। तो मेरा ये मानना है, कोई ऑफिशियली साइट का मानना नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को मान के चलते हैं कि ये आपकी अटेम्प्टेशन गुड हो सकती है। कैसे हो सकती है, इसके पीछे रीज़न कहीं है कि अगर आप अच्छे से, जैसे कि आप एनालॉजी के टॉपिक की बात करें, तो एनालॉजी पे आपको किसी भी कंट्री की करेंसीज पूछी जा सकती है, या आपको जैसे कि कुछ भी पूछा जा सकता है। एनालॉजी और क्लासिफिकेशन ऐसे 2 टॉपिक्स होंगे जिन पे आपको इवन की इंग्लिश ग्रामर के रूल्स भी पूछे जा सकते हैं, एडजेक्टिव्स में, नाउन्स में कुछ भी पूछ सकता है। तो उसके अलावा वो टॉपिक्स आप कवरअप कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक रहेगा, आपको क्यूब क्यूबोर्ड की बात करूँ मैं, डाइस के संबंधित कन्फ्यूज हो सकते हैं, या आपको कुछ स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट्स पे थोड़ा सा आपको डबल माइंड कर दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर। तो गाइस, वहाँ पर थोड़ा सा फोकस कर लें, ठीक है। तो रीजनिंग बहुत आसान है, कि रीजनिंग का टॉपिक कोई बिल्कुल टफ नहीं होता, क्योंकि जैसे रीजनिंग 2 तरीके की है। जैसे कि इस पेपर में रीजनिंग आएगी, आसान आएगी, बैंकिंग लेवल की रीजनिंग होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है, जैसे कि पजल आपको डाल दिए जाते हैं, ठीक है, उसमें कन्फ्यूज होना जाते हैं, हाँ आप मैं कैसे करूँ, सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अगर होगा भी तो बिल्कुल नॉर्मल होगा, और बिल्कुल शांत तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से, रिलैक्स तरीके से, जहाँ से भी आप किसी बुक से, चाहे आप ऑनलाइन साइट से, चाहे किसी कोचिंग सेंटर से कर रहे हैं, तो अपना करते रहिए आप। उसके बाद में बात करूँगा GK की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा GK, क्योंकि GK एक ऐसा पोर्शन है कि GK को कवर करना बड़े से बड़े धुरंधर की भी मतलब हिम्मत हार जाता है इसके आगे, उसकी भी हिम्मत ढीली पड़ जाती है। क्योंकि GK के पोर्शन ऐसा है कि आपको, अभी मैं रिसेंटली थोड़ा सा पीछे ले जाकर बात करूँगा, कि एक PSPCL का पेपर हुआ था LDC का, उसका रिजल्ट अभी अपकमिंग आने वाला है। लेकिन उसके अंदर ज़्यादातर बच्चों ने करंट को फोकस किया था, भी करंट आ सकता है, लेकिन उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चंस थे
जहाँ सोचने पे मजबूर हो गए थे। तो यहाँ आप सबसे पहले आप अपने आप को रिलैक्स करने की बात यह है कि जैसे ऑफिशियली साइट पर आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन दे रखे हैं तो आप हिस्ट्री के क्वेश्चन प्लीज़ रिपीट करें, जो पढ़े हैं उनको रिपीट करें। आप अच्छा करेंगे अच्छा होगा, लेकिन अगर आप कोशिश और करेंगे कि नई बुक्स ले आएँ, यहाँ से पढ़ लें, वहाँ से पढ़ लें, ये पीडीएफ पढ़ लें, वो पीडीएफ पढ़ लें, तो आप कन्फ्यूज, डेफिनेटली कन्फ्यूजन में चले जाएंगे आप। ऐसा कुछ नहीं करें। जो अच्छे लोग सेलेक्ट होते हैं उनका यही कहना होता है कि 1 वीक पहले आपको सिर्फ सब कुछ रिपीट करना होता है, नया कुछ नहीं छेड़ना होता। उसके बाद में आप अगर टेस्ट सेट है तो टेस्ट सेट लगा लें आप, अच्छा रहेगा। टेस्ट सेट से आपको अच्छी कुछ बेनिफिट मिलेगा इसका। अब मैं मेन इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो जो टेस्ट होगा ये टेस्ट ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन बिल्कुल नहीं होगा। सभी बच्चों के जो सेंटर हैं वो मैं आपको डिक्लेयर कर देता हूं यहां पर कहाँ है। ज़्यादातर बच्चों के सेंटर पटियाला में ही रखे गए हैं, लेकिन फिर भी विभाग ने अपनी कोशिश की है कि पटियाला के अंदर ही सारे PPSC के पेपर कंडक्ट किए जाएंगे, क्योंकि बच्चों की स्ट्रेंथ यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं है। उस पर भी देखा जाएगा कि उस दिन एट प्रेजेंट बच्चे कितने वहाँ पर पेपर देने के लिए उपलब्ध होते हैं। तो चलिए, मेरा यह सुझाव, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आप फॉलो करें, आपकी सफलता ही हमारी कामयाबी है और आपकी संतुष्टि ही हमारा सर्वधर्म है। चलिए हम बात करते हैं ऑफिशियली साइट पर कि आपको कॉल लेटर किस तरह से डाउनलोड करना है और क्या करना है क्या नहीं करें। और चलिए सबसे पहले आपको प्यारे बच्चों करना क्या है कि आप ऑफिशियली साइट पर PPSC पे आ जाएं आप। उसके बाद में आपको बिल्कुल यहाँ पर देखना है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है डाउनलोड एडमिट कार्ड पे आप क्लिक करेंगे। डाउनलोड एडमिट कार्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन निकल के आएगा, इस तरह का ऑप्शन आएगा। ठीक है, जैसे ही आप अपनी यहाँ पर डिटेल फिल करेंगे तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मांगा जाएगा, पासवर्ड जो आपने पासवर्ड सीक्रेट माना था, ठीक है, वो पासवर्ड अपना यहाँ जो ये जो आपको दे रखा है ये इसके अंदर फिल करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर शो होने लग जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका एडमिट कार्ड होगा। अब आपको इसमें क्या है कि सबसे पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश ये करूँगा जो कि कोऑपरेटिव एग्जामिनेशंस है, जो आपका ये इंस्पेक्टर रैंक का पेपर है, ये 20 मई को है, 10 बजे से लेकर 1:30 बजे, यानी लगभग आपका टाइम हो गया 10 बजे से लेकर 12:50 के मध्य आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा। अब क्या करना है, पेपर के जो टाइम दे रखा है इससे कम से कम 1 घंटा पहले आप अपने सेंटर पर होने चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बहुत मायने रखती है। कई बार आप जो इसकी रूल रेगुलेशन होते हैं उनको नहीं पढ़ते हैं, इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो क्लियर कह रखा है इन्होंने कि आपको क्या करना है कि अपने जो एलिजिबिलिटी अदर क्राइटेरिया एज पर जो एडमिट कार्ड वही इशू किया गया जो आपने फॉर्म भरा था, अपनी डिटेल्स वहाँ पर डॉक्यूमेंट भेजे थे, उनके आधार पर जो आपका नेम था, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ थी, उसी सेम टू सेम आपकी रहेगी। प्यारे बच्चों, उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है कि कैंडिडेट को ये जो एडमिट कार्ड है ये ओरिजिनली वहाँ पर लेके जाना है। अगर इसके अलावा आपको वहाँ पर हॉल में अटेंड सहायक अलाउ नहीं किया जाएगा, इस तरह से इन्होंने अपने इंस्ट्रक्शन में दे रखा है। फिर आपको क्या करना है कि कैंडिडेट को जो बिल्कुल हाल फिलहाल की आपकी फ़ोटो है, सेल्फ जो अटेस्टेड फ़ोटो है, वो कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एट द, मतलब आपको क्या करना है कि अपनी इस एडमिट कार्ड के साथ अपनी फ़ोटो को लगाना होगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, इन्होंने क्लियर कह रखा है द कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट द एग्जामिनेशन सेंटर एटलीस्ट 45 मिनट बिफोर द शेड्यूल, मतलब अपना जो पेपर शुरू होगा प्यारे बच्चों 10 बजे, उससे यानी मैंने वो बात कह दी 1 घंटा पहले, कहने का मतलब कि 45 मिनट पहले तो ऑफिशियली दे रखा है, 1 घंटा पहले आप चले जाएँ बिल्कुल रिलैक्स माइंड से, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपके पास कोई भी एनी गैजेट्स अवेलेबल है, अगर कोई ईयरफोन फ़ोन, इस प्रकार की बेहूदी हरकत बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से और हिम्मत के साथ अपना पेपर देने के लिए जाएं और ऐसा कुछ नहीं करें, अदरवाइज़ आपको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा आपका पेपर से। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ, आपको क्या करना है, अपने पास जब भी आप पेपर देने जाएंगे 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप पहली बार तो एक फ़ोटो लगा के लेके जाएं, एक अपने साथ में लेके जाएं उसी के साथ की, और अपने ओरिजिनल, चाहे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है प्यारे बच्चों, चाहे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, चाहे आधार कार्ड है, ठीक है, ओरिजिनल होना चाहिए, उसकी कोई जीरोक्स नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास कोई वोटर आईडी कार्ड हो गया, जैसे आप उन्होंने कह रखा है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस की बात करूं, उसके बाद में ऑफिशियली आईडी आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, इस प्रकार आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे दिखाने के लिए साथ में लेके जाना होगा, ये मेन कारण होते हैं। उसके बाद में आपका जो OMR सीट पर पेपर होगा
इस आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, ओएमआर सीट के जो पेपर देना है आपको, उसके ऊपर आप सबको आजकल पता है कॉलम फिल करने होते हैं आपको, लेकिन उसके ऊपर जो जानकारी फिल करेंगे आप, उसको सही ढंग से फिल करें। अगर आपकी कटिंग होती है तो इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, आपकी कॉपी चेक नहीं हो सकती और आप इसके लिए चैलेंज भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी आपको इतने रूल रेगुलेशन दे रखे हैं, कृपया आप इनको पढ़ें। पढ़ने के बाद में ही पेपर देने के लिए आप सही बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से जाएँ। आपको आपके साथ में दो पेन लेके जाने हैं, दो पेन ब्लू पेन लेके जाएं, विदाउट जेल बॉल पेन लेके जाएंगे, बॉल पेन के साथ पेपर करेंगे आप। उसके बाद में आपको, यानी एक चीज़ और बता दी गई है, वैसे पता लग ही गया था बहुत सारे बच्चों को, 22,851, यानी कहने का मतलब ऑलमोस्ट, यानी मैं बात करूँगा कि 22,851 बच्चों का ये पेपर होगा। इसके अंदर कितने बच्चे पेपर देने आते हैं, कितने नहीं आते, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आपको अपना बेस्ट देना है, बस अपना बेस्ट दीजिए अपने बिल्कुल रिलैक्स माइंड से, और उसके बाद में आपकी ऑफिशियली आंसर की आ जाएगी। आपको कहीं डाउट होगा तो आप चैलेंज कर सकते हैं, चैलेंज करने के बाद में आपकी एक ऑफिशियली फाइनल की रिलीज़ कर दी जाएगी और उसके बाद में आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, ये मुख्य जानकारी थी जो आप तक हमने प्रोवाइड करवाई, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर कर दें आप, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ताकि हर दूसरे बच्चे तक ये जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं अपकमिंग नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें और हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से पढ़ें, बिल्कुल अपने फ़ोन वोन को बंद कर दें, फोकस करें अपने टॉपिक पे, यही कामयाबी का मंत्र होता है, बस और कुछ नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना